हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज संदीप। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे इंडेक्स की, प्लस कुछ स्टॉक्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेंगे और साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई जिनमें दिख रही है वो स्टॉक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हर रोज़ आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। साथ में मैं साइकोलॉजी पे भी वीडियोस बनाना मैंने कंटिन्यू कर दिया है, तो आपने आई होप जो साइकोलॉजी पे आज की वीडियो बनी है डिसिप्लिन के ऊपर वो ज़रूर देखी होगी। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे, तो अगर निफ्टी का आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर हमें आज मिली है इनसाइडर कैंडल। व्हाट यू मीन बाय इनसाइडर कैंडल? जब एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल जो है बनती है, यानी उससे बाहर जो है प्राइस नहीं जाता है, यानी कल के हाई और लो के बीच में, यानी येस्टरडे के हाई और लो के बीच में जब एक प्राइस सस्टेन करता है तो एक इनसाइडर कैंडल बन जाती है। तो आज हमें निफ्टी के अंदर वही देखने को मिला है, ठीक है। प्लस जो आज का लेवल थे वो मैंने इसमें टेलीग्राम चैनल पे, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी मैंने अपडेट कर दिया था। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जब एक्चुअली मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे था तब मैंने बोला था कि ये वाला लेवल अगर आज ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को हमें मिल सकती है। बट हुआ क्या कि ये वाला लेवल ब्रेक आज नहीं हुआ, दैट मीन्स कि अभी भी निफ्टी स्ट्रेंथ के अंदर है, ठीक है। अगर चार्ट देखोगे तो कल मैंने बोला था कि हमें एक सेल करने की अपॉर्चुनिटी कल को आराम से मिल सकती है, और वो सुबह ही हमें मिल गई। उसके बाद निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा यहाँ पे जो है एक साइडवेज हुआ, उसके बाद एक अपसाइड ब्रेक दिया, बट यहाँ पे कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप भी किया और दोबारा अगेन एक शार्प सेल ऑफ देखने को हमें मिला, ठीक है। अब बात यह है कि ठीक है आज तो ये हुआ, कल क्या हो सकता है? तो कल पहले हम डेटा देखते हैं। तो अगर आप डेटा देखोगे, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अभी का ही, ठीक है, आप चेक कर सकते हो टाइम नीचे, ठीक है, 16:57 यानी आज की डेट का ही है। तो अभी देखोगे 16,500 पे, पहले हम पुट ओपन इंटरेस्ट पे देखना चाहेंगे कि 16,500 पे हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है पुट साइड में। दैट रिप्रेजेंट कि 16,500 पे, 16,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट के साथ, हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ जो हैं पुट सेलर खड़े हुए हैं, ठीक है। वहीं अदर साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे 16,700 के कॉल पे हमें 88,000 यानी 88,000 के अराउंड जो है कॉल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दैट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए कल के लिए क्या रहेगा? 16,700, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी वो रहेगा हमारे लिए 16,500 कल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कल को एक्सपायरी भी है। तो ये जो 300 पॉइंट का, 200 पॉइंट का जो एक एरिया है ये स्ट्रॉन्गली जो है एक रह सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। हाँ, अगर 16,500 ब्रेक होता है तो सीधा 16,400 पे नेक्स्ट सपोर्ट बनती है। और अगर एक चीज और ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पुट साइड में जो पुट सेलर थे वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। दैट मींस उन्हें डर है कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। और वहीं अगर कंपेयर करेंगे कॉल साइड में तो यहाँ पे अच्छा खासा बिल्टअप होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, यानी अपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रही है और डाउन साइड में जो सपोर्ट फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे लूज हो रही है। तो अगर कल को 16,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव देखने को
मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा कहता है। और अगर हम बात करें लेवल्स की, अगर हम बात करें 15 मिनट के अकॉर्डिंग, अगर हम चार्ट पे चेक करते हैं, तो पहला हमारे लिए क्या लेवल रहेगा? तो पहला हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये कौन सा रहेगा, 16,400, जो कि हमें डेटा के अंदर भी मिल रहा है। ठीक है, जो देखोगे तो 16,500 पे आज सपोर्ट लिए, इसके डाउन नहीं गया। अब 16,400 पे एक सपोर्ट है, अगर 16,400 ब्रेक होता है उसके बाद सीधा 16,000 तक जो है डाउन साइड में जाने को देखने को मिल सकता है। देखोगे तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट अनवाइंडिंग हुई है यहाँ के, देखो यहाँ पे देखो 32,000, 32 यानी अराउंड 33,000 ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, यानी माइनस हुआ है। ठीक है, तो अगर 16,400 भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद सीधा 100-100 पॉइंट पे ही हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे 16,300, यहाँ पे 16,200, तो 100-100 पॉइंट का मूव हमें आराम से देखने को मिल सकता है। तो अगर कल को ये वाला लेवल ब्रेक होता है 16,500, तो सीधा 16,400 हमारे लिए एक सेकेंड सपोर्ट बनेगा। और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 16,300, 16,200 और 16,100, और उसके बाद सीधा 16,000। ठीक है, तो 100-100 पॉइंट का मूव, यानी कल को मार्केट ट्रेंडिंग रह सकती है, चांसेस आर मच हाई इन द निफ्टी। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने कल डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट करने को कल को अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो ये लास्ट 3 कैंडल का मूव था, एक स्टेगनेंट मूव होता है, यानी जो स्ट्रॉन्ग मूव नहीं होता अपसाइड के अंदर, अपसाइड की साइड पे। ठीक है, तो ये एक स्टेगनेंट मूव हमें देखने को मिला था, और आज हमें ऐसे ही एक करेक्शन देखने को मिली। अगर हम इसको 5 मिनट पर चेक करते हैं चार्ट को, तो आज हुआ क्या कि गैप डाउन खुला, अपसाइड दिखाई, थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट हो गए, फिर थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, बट इस वाले लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया और इस वाले लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को हमें मिली, जिसकी बात मैं कल कर भी रहा था कि कल को बैंक निफ्टी के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, और आज वही हुआ। ठीक है, आई होप आपने यस्टरडे की वीडियो चेक की होगी। ठीक है, तो डेली वीडियो चेक करो, आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगी। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की, ठीक है, तो हम अगर देखते हैं कि सीधा जाके 35,000 पे हमें एक सपोर्ट मिल रही है, जहाँ पे लगभग 76,000 पुट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, दैट विल एक्ट एज सपोर्ट, दैट विल एक्ट एज सपोर्ट। और अगर हम रिसेंट में देखें तो 35,500 पे, यानी सीधा 500 पॉइंट का कट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। और क्योंकि 35,200 पे भी अनवाइंडिंग छोटी सी हुई है, बट अनवाइंडिंग हुई है, वहाँ वहीं पे अगर हम अपोजिट साइड में देखें तो 36,000 पे 1,42,000 के अराउंड जो है हमें कॉल ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रोंग स्ट्रोंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको ब्रेक करना स्पेशली कल के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ओके, तो और यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है अपर साइड के अंदर, जहाँ जबकि एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे देखोगे 8,000, 5,000, 1,000, 816, 8,000, यहाँ पे देखोगे 12,000, 13,000, 24,000, 15,000, 36,000, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हुआ है कॉल साइड के अंदर, दैट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑन दी अपर साइड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक्ट रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रही है हमें, 36,000 पे, यानी 500 पॉइंट डाउन पे हमें सपोर्ट मिल रही है, और 500 पॉइंट अप साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे हमें अच्छी खासी, देखोगे तो देखो 22,000 ही यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और जिसमें 12,000 आज के दिन ऐड हुआ है, यहाँ पे 34,000 है, 13,000 ही ऐड हुआ है, यहाँ पे
54,000 है, यहाँ पे 24,000 हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 25,000। तो दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द अपर साइड। ओके, तो इस तरह से हमें हर 100 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। और अगर हम इसको देखते हैं तो देखो, अभी हमारे लिए टेक्निकली वो तो क्या था, हमारा डेटा के अकॉर्डिंग, वो तो डेटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट था। तो 34,000 लगभग 800 पे, 34,800 की जो मैं बात कर रहा था, ये देखो, हाँ 34,800 पे, यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 22,000 है, और उससे पहले 35,000 पे हैं। उससे पहले हमें कहाँ देखने को मिल रहा है एक सपोर्ट, 35,000 पे, 35,000 पे, यानी हमारी सपोर्ट बनेगी। टेक्निकली यहाँ पे अभी रिसेंट में सपोर्ट नहीं बन रही है इंट्राडे के लिए, बट हमें ध्यान रखना होगा। देखो, डेटा के अकॉर्डिंग और टेक्निकल के अकॉर्डिंग, जब दोनों जगह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानो। बट कई बार देखोगे, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं थी, यहाँ से फिर एकदम रिवर्स क्यों कर गया, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं थी, यहाँ पे रिवर्स क्यों कर गया, तो वो डेटा के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्योरली टेक्निकल नहीं चलते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो डेटा को भी देखते हैं, यानी वो डेटा रीड भी करते हैं प्लस वो टेक्निकल्स भी चलते हैं। तो हमें टेक्निकली, हमें डेटा के अकॉर्डिंग 35,000 पे एक सपोर्ट मिल रही है, 35,000 पे, यानी हमारी सपोर्ट बन जाएगी यहाँ पे लगभग, ठीक है, 35,000 पे। उसके बाद 34,800 पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो ये देखोगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, निफ्टी के अंदर भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर 16,500 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिलेगी दोनों साइड के अंदर। और कल को एक्सपायरी का भी दिन है, ठीक है, महीने की पहली एक्सपायरी है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो डेटा तो बियरिश है, डेटा कोई बुलिश नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर भी बियरिश है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुमारो इन द इंडेक्स। लेवल्स आपको पता लग गए हैं डेटा के अकॉर्डिंग, और टेक्निकली भी आपको लेवल्स आपको पता लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है अभी भी, इसने होल्ड की है जो कि 35,300 पे है, अभी भी होल्ड किया। ओके, आज की क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी की 35,487 है, यानी लगभग यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी इनको लेवल्स को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि मदरसन सुमी, ठीक है, इसके अंदर मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ है कि क्या क्या हमारी ट्रेड बन सकती है। तो मदरसन सुमी देखोगे तो हमें एक यहाँ पे रिसेंट में ही स्ट्रोंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं, जब ये अपसाइड जा रहा है तो विद गुड वॉल्यूम्स जा रहा है, तो हम मदरसन सुमी को बाय करके चल सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 124 का, बाय करेंगे अराउंड 131 के, और 1:1 ऑलमोस्ट 1.7 का हमारा टारगेट बनेगा 143 का। अगर 143 अचीव हो जाता है, यहाँ पे अपना 50% बुक करोगे, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट ना हो तो वेरी बेस्ट, क्योंकि मार्केट के साथ शायद वीक हो जाए, बट इसीलिए स्टॉप लॉस होता है कि अगर स्टॉक ना चले तो आप स्टॉप लॉस पे निकल जाओ, ठीक है। 143 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 163 जो है हमारा सेकंड टारगेट रहेगा मदरसन सोमी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ध्यान देना, ये वाली ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा एशियन पेंट, एशियन पेंट जो है, ठीक है, बेसिकली ये मूव करता है क्रूड ऑयल के साथ, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे हमें और वीकनेस देखने को मिलेगी। और 4 दिन से ही हमें छोटी छोटी कैंडल देखने को मिल रही है, यानी इनसाइडर कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो अभी किसी भी साइड में स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, ठीक है। अगर कल को ये लेवल ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स 28-35 का लेवल ब्रेक होता है, तो शॉर्ट करके चलेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2884 का, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। उसी तरह से अगर ये
कल को थोड़ा बुलिश मूव दिखाते हैं तो भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे छोटा सा, और हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा आराम से, 1:2 ट्रेड आराम से बन जाएगी एशियन पेंट के अंदर। ये स्टॉक है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ध्यान रखना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसी तरह अगर आईटी सेक्टर को चेक करोगे तो मैंने आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक, सारे तो नहीं बट ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स मैंने चेक किए हैं, तो सबके अंदर एक इनसाइडर कैंडल देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। प्लस जो जो फॉरेन मार्केट है, अमेरिका की मार्केट है, वो आईटी स्टॉक्स को थोड़ा सहारा दे रही है। दैट रिप्रेजेंट कि आईटी स्टॉक कल को चांसेस हैं कि कल को बुलिश रह सकता है आईटी सेक्टर, तो इसीलिए हम टीसीएस को बाय करके चलेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3325 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टीसीएस को बाय करके चल सकते हैं। 1:2 के अंदर हमारा जो ऑलमोस्ट जो है टारगेट रहेगा टीसीएस के अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों स्टॉक प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी के, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करते रहो, और जो भी कमी लगे, जो भी अच्छी बातें लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो, ताकि मैं अपनी कमियों को भी सुधारूं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं कंटिन्यू रखूं, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिमफ्रिन, दैट मीन्स टुगेदर इन वन वॉइस। जय हिंद।